सिंध विजय के बाद ही भारत का दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, कलाएं और वास्तुशास्त्र पहले अरब और बगदाद में तथा बाद में तुर्की और अंततः यूरोप पहुंच गए। इस्तांबुल के इस विज्ञान संग्रहालय में भारत के विज्ञान की ये यात्रा आज भी देखी जा सकती है। भारत के विद्वान भाल, मानक और बाजीगर बगदाद में बुलाए गए थे। भारतीय चिकित्सक घन बगदाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। अरब से अबू मश्र नामक खगोल शास्त्री 10 साल बनारस में रहकर खगोल विद्या सीख कर गया था। ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्यक जैसे अनेक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ था।